हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के अंतर्गत डैप्सोन एंड सोलेप्सोन जो कि एक एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं और ये हमारा एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स का पार्ट टू वीडियो है जहाँ पे हम डैप्सोन और सेलेप्सोन एजेंट्स को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर भजन शुक्ला चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक याद दिलाऊं कि जो हमने एंटीलोटिक एजेंट्स का पिछले टर्न पे क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था कि डेप्सोन और सेलेप्सोन दोनों ही सल्फोन के डेरिवेटिव्स हैं तो अगर हम डेप्सोन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर जो सल्फोन सल्फोन का मतलब है कि वो कंपाउंड जहाँ पर एसओ ग्रुप दो ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं और ये जो यहाँ पर भी दिख रहा है ये सेलफोन ग्रुप है एसओ ग्रुप है और इसके साथ अगल बगल दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ है ये बेंजीन के चौथे पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दोनों तरफ लगी हुई हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक डाई फिनाइल सेलफोन है जहां पे फोर्थ पोजिशन ऑफ बोथ फिनाइल ग्रुप्स ये फिनाइल ग्रुप है जिस पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है यानी यहां पर भी और यहां पर भी सेम ठीक है हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का अगर ये बेंजीन होती बेंजीन के ऊपर ये एनएसटू ग्रुप और इधर सी ग्रुप लगा होता तो इसे हम क्या कहते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बिल्कुल वैसा ये देखने को मिल रहा है जो कि पैरामिनोबेक बेंजोइक एसिड ज़रूरी है हमारे जो बैक्टीरियाज़ हैं उनके मेटाबॉलिज्म को करने के लिए फोलिक एसिड को बनाने के लिए उनके शरीर में सॉरी उनके सेल्स के अंदर तो उसको रोकने का काम करते हैं इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हमको चाहिए होता है नाम की बात करें तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग नाम निकाल सकते हैं दैट इज़ फोर अमीनो जो कि चौथे नंबर पर अमीनो ग्रुप के साथ फिनाइल था और सल्फोनाइल एनलिन बोल रहे हैं यानी कि इस पूरे को एक साथ ले लिया इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ ले लिया ठीक है तो नाम बन गया फोर फोर अमीनो फिनाइल सल्फोनाइल एनलिन इसे हम फोर फोर ये तो आई नाम हो गया कुछ और भी नाम है जैसे कि फोर फोर डैश सल्फोनाइल डाई एनालीन या फिर फोर फोर डैश डाई अमीनो डाई फिनाइल सेल्फोन भी हम इसे कह सकते हैं कॉलर तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश वाइट या वाइट कलर का होता है और जो इसका फिजिकल स्टेट है वो क्रिस्टलाइन पाउडर है ऑर्डर की बात करें तो कोई ऑर्डर नहीं होती ऑर्डर लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है 175 से 176 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है सॉलिबलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये पहली ड्रग है अभी तक आप लोग जितनी ड्रग पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल एसीटोन और डायलूट मिनरल्स में तो सॉलीबल है लेकिन वाटर में प्रैक्टिकली क्या है इनसॉलिबल है तो ये याद रखने वाली बात है अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉलीबल सॉल्ट्स बनाता है जब हम इसे सिंपल एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये प्राइमरी रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स क्योंकि एनिलीन जैसा इसका स्ट्रक्चर है इसीलिए एनिलीन्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं या एरोमेटिक एमीन्स की जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से ही हमें देती हैं यूजेस की बात करें तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जैसा कि हम लोग सल्फोना देख रहे थे बिल्कुल वैसे ही ये भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के रूप में है जो सल्फोन्स होते हैं हमारे और इनका सबसे ज़्यादा यूज जो है वो एंटी लेपरिटिक थेटिक यानी कि लेप्रो लेप्रोसी को स्टेट करने के यानी उसके माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री जो हमने बताया था आपको बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं और ये सबसे बढ़िया आप कह सकते हो कि एक फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेपेंस रेपम्पिसिन ये दो ड्रग्स आपको एक साथ ले करके फिर ट्यूबरकोस ट्यूबरकुलर लेप्रोसी या फिर लेप्रोमेटस जो हमारा लेप्रोसी है ये दो प्रकार के लेप्रोसी मैंने आपको चार प्रकार के बताए थे तो उसमें से इन दो प्रकार के लेप्रोसीज का ट्रीटमेंट जो है ये आसानी से करने के काम में आते हैं इसके साथ ही साथ कुछ और ड्रग्स के साथ सेल्फोनामाइट ड्रग के साथ या फिर और जो ड्रग्स हैं उनके साथ मलेरिया और निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी इनका प्रयोग किया जाता है अब फार्मास्यूटिकल फार्मासमलेशन की बात करें तो इसका सेलफोन सॉरी डेप्सोन जो है वो आपका पाउडर के फॉर्म में बीपीआईपी में दिया हुआ है डैफसोन के टैबलेट्स बना सकते हैं बीपीआईपी यूएसपी के हिसाब से और जेल भी बना सकते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए इसके क्रीम्स वगैरह भी जो है वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं सॉलिबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो जो प्योर डैफसोन होता है वो बहुत स्टेबल होता है लेकिन जब इसमें स्मॉल इम्पर्टीज़ हों जैसे कि थोड़ा बहुत पानी अगर इसमें हो थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो ये फोटो सेंसिटिव बन जाता है और उस कंडीशन में इसका कल जो है वो शुरू हो जाता है अब बात करें अगर कि इसको कहाँ पे स्टोरेज करेंगे इसीलिए हम लोग इसको वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं ब्रांड नेम्स की बात करें तो डेप्सोन एज अ जेनरिक नेम आता है जी एस के फार्मूटिकल्स बनाती है बहुत ही ज़्यादा फेमस है सौ एम जी पचास एम जी दो सौ एम जी की टैबलेट्स जो है वो डेप्सोन की आती हैं और एक्नीसोन नाम की एक क्रीम आती है जो कि स्किन के में हम लोग लगा सकते हैं और वो जो है सेप, सेप्टोबिक लैब्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है इसके अलावा और भी नाम्स हैं जैसे कि डाईफिनाइल सल्फोन, डी डी एस एल्फोसल सेल्फोनल एनोसल्फोन और डुमिटोन डुब्रोनेक्स नाम के कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं जहाँ पर हमारे सेलफोन जो हैं एज एक्टिव इंग्रीडियंट पड़ा होता है दूसरा दूसरी जो ड्रग है हमारी वो है सोलेप्सोन सोलेक्सें जो है वो भी डेप्सोन जैसी ही ड्रग है उसका यूज वगैरह सब अभी आप देखोगे सब सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लेकिन ये एक डेरिवेटिव है जो कि डेप्सोन से ही बनाया जा रहा है और ये एक आप कह सकते हैं इसीलिए टेट्रासोडियम सॉल्ट ऑफ या सॉरी इट इज अ सो, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्रा सल्फोनिक एसिड डेरीवेटिवस ऑफ डेप्सोन ठीक है जिसको हम लोग जब इसको बनाना हो हम इसको सेंथेसिस आपके वैसे सिलेबस में नहीं है बट हम इसके स्ट्रक्चर को आसान करने के लिए अगर हम देखें तो इसकी सेंथिसिस से हमको समझ में आ सकता है कि अगर हम लोग सिनेमिल डिहाइड ले लें जैसे सिलेमेन डिहाइड ये एल्डिहाइड्स होते हैं इन एल्डिहाइड्स का अगर डेप्सोन के साथ लिया जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन ठीक है ये सब क्या निकलेगा पानी बनाकर निकलेगा दोनों तरफ लेना है ठीक दोनों तरफ ये आपने दिया दो मोल क्या निकल जाएगा वाटर निकलेगा आपको मिलेगा अब जब ये यहाँ से H और यहाँ से O निकलेंगे दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या मिलेगा डबल बाउंड इधर भी सेम चीज़ इधर भी सेम चीज़ दो वाटर के मोलिकुल निकलने के बाद हमें मिलता है फोर फोर डैश डाई सिनेमल डियाल अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन ठीक अब इसी में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है सोडियम बाई सल्फाइड के साथ करा दें तो क्या होता है कि इसको आप देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा ये यहाँ से हाइड्रोजन्स आएंगे सबसे पहले मान लीजिए कि एक एसओ थ्री आएगा और उसके साथ सोडियम एसओ थ एन ए सोड एस ओ थ्री एक जगह जहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है इस कार्बन पे पहले डाल दीजिए यहाँ पे आएगा एसओ थ्री एन ए और जो हाइड्रोजन इसके साथ आया दैट हाइड्रोजन विल बी ट्रांसफर टू दिस नाइट्रोजन और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड खत्म होगा यानी एडिशन रिएक्शन होगी इन दोनों पर एक एक चीज़ एडे होगी नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन और सी एच के ऊपर एन एस ओ थ्री और एन एफ के साथ आ जाएगा नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड जो है कार्बन ही दिख रहे हैं तो एक कार्बन पे यानी इस वाले कार्बन पे हमको एसओ थ्री एन ए जोड़ देना और इस कार्बन पे क्या देना है हाइड्रोजन दे देना तो एच टू हो जाएगा सेम चीज़ इधर भी करनी है सेम चीज इधर हुई थी सेम चीज धरेंगे इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन इस कार्बन पे एसओ थ्री एन ए इसी तरीके से यहां पे हाइड्रोजन यहां पे एसओ थ्री एन ए और इस तरीके से चार टेट्रा इसीलिए बोला था हमने चार जो है वो, वो सल, आ, क्या नाम है आपके Uh, सल्फोनिक एसिड जो है वो जुड़ेंगे और उसके साथ सोडियम अपने साथ रहेगा सोडियम सॉल्ट के रूप में रहेगा और यही जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट स्ट्रक्चर इज सेल्सोन यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा डैपसोन में था यहाँ पर हमारा सल्फोन ग्रुप है सल्फोन ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन और उसके तरफ दोनों तरफ एनएसटू था उस एनएस में से एक एक एच को हटा करके मान लीजिए कि हमें ये लगा दिया और आपको क्या मिल गया uh, सोलप्सोन मिल गया अब इसके नाम की बात करें आई पी एस सी नेम की तो इट इज़ नोन एज टेट्रा सोडियम बिकॉज सोडियम इसके साथ ही है चार हैं इसीलिए टेट्रा सोडियम थ्री थ्री डैस सल्फोनाइल बिस बेंजीन वन फोर डाई एमिनो जो दोनों बेंजीन की तरफ जो है आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है इसलिए बिस वन फिनाइल प्रोपेन वन थ्री डाई सल्फोनेट दो बार है इसलिए इस तरीके से इसको बोला जा रहा है दैट इज द नेम ऑफ आई पी एस सी नेम और इसको हम लोग uh, सल्फेटिर के नाम से भी जानते हैं जो इसकी इसका एक बुलाने का नाम है या कॉमन नेम के रूप में इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो कलर है वो वाइट है स्टेट फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है लेकिन अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करें तो वाटर इसका पूरा का पूरा निकल जाता है एकदम प्योर पाउडर uh, के फॉर्म में आ जाता है उसे हम कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म जो कि हमें 110 डिग्री सेल्सियस पे मिलती है ऑर्डर की बात करें तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता टेस्ट कोई नहीं होता कुछ कई बार जो है थोड़ा बहुत समय के साथ थोड़ा सा बिटरनेस जो है वो आती है स्लाइड बिटर हो सकता है सॉलिबिलिटी की बात करें तो वाटर में बहुत सॉलेबल है लेकिन कोल्ड वाटर में बढ़िया सॉलेबल है और एल्कोहल में बिल्कुल भी इन्सॉलेबल है बहुत ही कम सॉलिबिलिटी है थोड़ा बहुत सॉलिबिलिटी है बहुत कम लेकिन कोल्ड एल्कोहल में बिल्कुल भी इंसॉलेबल so, है यूजेस uh, की बात करें तो एंटी लेप्रोटिक एजेंट है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी है और सेम एज़ यूज हैं जैसे कि डेप्सोन के थे हमारे यानी कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट पर हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मासोटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो सोन टैबलेट्स के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में हमें मिल सकता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके का है डेप्सोन जैसा ही स्टेबल है एयर में और इसको इसीलिए हम लोग स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर ब्रांड नेम्स की बात करें तो बहुत ही कम अबेबिलिटी है वैसे इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी सोलेप्सोन के नाम से सिमेडोन के नाम से सोलेसल्फोन के नाम से और सल्फेडेटोन के नाम से ये जो है मार्केट में आपको इन नामों से मिल सकता है तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने सल्फोन डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स को देखा और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो कल हम लोग ये वीडियो देखेंगे उसमें हमारे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की जो दो बाकी की दो ड्रग्स हैं उनको देख करके और ऐसे खत्म करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उससे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद